होटल में स्वागत है। यहाँ सभी के लिए रूम्स हैं। मुझे एक रूम चाहिए प्लीज, शानदार वाला जिसमें सी व्यू हो। जी मिस, चुन लीजिए, हमारे पास शहर के सबसे अच्छे रूम्स हैं। बस एक मिनट, मुझे उस बारे में सोचना होगा। उप्स, पॉली बड़ी मुसीबत में है। उसके पास सी व्यू वाले रूम के लिए पैसे नहीं है। यहाँ और कुछ सस्ता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे शुक्रिया मत कहना मिस, आराम से बैठो और आराम के मजे लो। शुक्रिया, तुम कमाल की हो। सस्ता रूम कहाँ है? वो यही कहीं होगा। हाँ, ये वही नई जगह है। कोई है? ये अजीब है, ये रूम एक रूम क्लोजेट की तरह लग रहा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल भी पार्टी नहीं कर सकते। इस रूम में सफाई की जरूरत है और यहाँ थोड़े पेंट की भी जरूरत है। ये बढ़िया है, हमारे जरूरत का सारा सामान तैयार है। पेंट और ब्रशेस, हमें इसकी ही जरूरत है। ये लो, चलो इस घर को पिंक बनाते हैं। ये समर वेकेशन वाला कलर है, पर क्यों ना ब्राइट ग्रीन से भी डिजाइन बनाएं? ये क्रिएटिव है। और थोड़ा सा येलो बुरा नहीं रहेगा। अब ये घर कमाल का लगेगा। मैंने आज की पेंटिंग कर ली है, अब प्लान में अगला क्या है? हर घर में बेड होना चाहिए, ये बहुत आसान है। हम अभी बेड बनाएंगे, हमें बस दीवार पर बीम्स लगानी है। और ये रहा बेड, अब ये आरामदायक है। और सबसे जरूरी बात, इसमें पैसे नहीं लगे। चलो इसे केबल टाइज से मजबूत बनाते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा और सुबह होते ही इसे वापस फोल्ड कर दो। कितना आसान सॉल्यूशन है। और यहाँ बहुत सारे रूम होंगे, इसमें टेबल की भी जरूरत है। हाँ, ये वाला काम आएगा। अब पेंट करने की बारी है। टेबल सेमी सर्कल में होगा। टेम्पलेट तैयार है, चलो इसे काटते हैं। 100 से आसानी से हो जाएगा। टेबल को दीवार से लगाएं और इसे मेटल कॉर्नर से जोड़ें। वाओ, हमने बना लिया। यहाँ इंजीनियर कौन है? और डिनर के बाद टेबल को फोल्ड भी कर सकते हैं। जगह बचाना इसे ही कहते हैं। इस इंटीरियर में ज्यादा येलो नहीं है, चलो इसे ठीक करते हैं। अब टेबल पूरी तरह से बदल गई है। चेयर्स का क्या? कोई बात नहीं, पॉली के पास पहले से ही कमाल का आइडिया है। सीट को हिलने वाली बीम से जोड़ें और ये तैयार है। और चेयर ब्लू होगी। इंटीरियर जितना ब्राइट होगा उतना बढ़िया है। और सॉफ्टनेस के लिए फोम रबर, और हम पिंक प्लश को ऊपर लगाएंगे। फैब्रिक को फर्नीचर स्टेपलर से सिक्योर करें और फिर मजबूती चेक करते हैं। सब ठीक है, और ये बहुत आसान है। और अब डेकोर की बारी है। अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। चलो इसे दीवार पर चिपकाते हैं और बचे हुए हिस्से काट लें। कमाल का आइडिया है। और ये फेदर्स इंटीरियर पर 4 चांद लगा देंगे। अब हम टेबल हटा सकते हैं। ब्यूटी जोन, इस फोल्डिंग वाले घर में उसकी ही जरूरत है। और मिरर भी तैयार है, चलो इसे टेबल के पिछले हिस्से पर चिपकाते हैं। इससे ये और भी मजेदार होगा। और यहाँ पर कॉस्मेटिक के लिए ऑर्गेनाइजर होगा, आपको सिर्फ रबर बैंड की जरूरत है। लगभग हो ही गया, बस यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखना बाकी है। मेकअप हमेशा काम आता है, और दीवार से कुछ चिपकाया जा सकता है। अब कुछ नहीं खोएगा। सबसे पहले ब्यूटी। वाओ, यहाँ बहुत सारे लेगो पीस हैं। हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। चलो इसे जोड़ते हैं। लेगो से शेल्फ बनाते हैं। ये बहुत आराम से करना पड़ता है, और पॉली इसे कर लेगी। हम शेल्फ्स को लटकाएंगे यहाँ। नापो, फिर ड्रिल करो। और अब हम यहाँ शेल्फ स्क्रू कर सकते हैं।
ये बहुत कमाल के हैं। यहाँ सारी कमाल की छोटी चीजों के लिए जगह है। ये इंटीरियर ज्यादा बोरिंग नहीं रहा। लगभग भूल ही गई थी, मुझे सूटकेस खोलना था। पॉली के पास बहुत सारा सामान है क्योंकि वो वेकेशन पर आई है। मुझे अपने कपड़े यहाँ टांगने चाहिए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। हमें क्रिएटिव सॉल्यूशन की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। जल्द ही लॉज में एक छोटा कैबिनेट होगा। हम डोर और विंडो काट कर निकालेंगे, फिर हम सारे हिस्से जोड़ेंगे। ये बहुत आसान है। हमारे पास असली क्लोजेट है, वो भी छोटे वाला। और यहाँ पर हैंडल होगा। बस फर्नीचर को पेंट करना और डेकोर बनाना बाकी है। कैबिनेट स्काई ब्लू होगा। डेकोर के तौर पर हम ब्राइट स्पाइरल्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉली के पास ये बहुत सारे हैं। ये आसान है पर ये बहुत प्यारा है। और ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी ग्लू और ये तैयार है। अब इंटीरियर बहुत ज्यादा ब्राइटर लग रहा है। और हमें हुक की जरूरत है। यहीं पर कपड़े टंगेंगे। और अब चलो नए क्लोजेट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कपड़े अपनी जगह पर है। इन्हें अच्छे से रोल कर लें और इन्हें क्लोजेट में डालें। ड्रेसेस अच्छी जगह पर है। और जब हमें ड्रेस पहननी होगी, हम क्लोजेट खोलेंगे। कमाल किसने किया? मैंने। इस घर में और लाइट्स की जरूरत है। ये बढ़िया है। रूम अब और मजेदार है। अब ब्राइट कलर वाले पेंसिल की बारी है। ये रहे वो। हम पेपर गार्लैंड से पॉम्पॉम्स बनाएंगे और इन्हें छत से लटका दें। कितना स्टाइलिश है। रूम में धमाकेदार पार्टी। हम इसे मेरे फेवरेट पोस्टर्स के बिना नहीं कर सकते। ये रूम में कमाल का माहौल बना देंगे। हम अब रुक नहीं सकते। अब रग की बारी है। ये बहुत कमाल का है। ये पिंक है। ये इंटीरियर में जचेगा। रूम के साइज वाला रग काटे और उसे बिछा दे। फ्लफी और सॉफ्ट है। और दूसरा रग रूम के दूसरे हिस्से में लगेगा। और हम बेड को आरामदायक प्लेट से कवर करेंगे। ये काम बहुत थका देने वाला है। ये थोड़ा आराम करने की बारी है। वेकेशन अब शुरू होगा। सोना मत, यहाँ करने को बहुत काम है। इस घर को और ब्राइट बना सकते हैं। ग्राफिटी काम आएगी, परेशान मत करो। आर्टिस्ट यहाँ काम कर रही है। ये शुरुआत अच्छी है। पॉली के पास अभी भी कमाल के क्रिएटिव आइडियाज हैं। ये दीवारें कमाल की लग रही हैं। अब हम आराम कर सकते हैं। मेरा फेवरेट चैनल और गर्म कोको। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आउच! ब्रेकफास्ट और वीडियोस एक साथ सही नहीं रहता। हमें अभी फोन रखने वाले शेल्फ को बनाने की जरूरत है। पहले हम छोटे बॉक्स को जोड़ेंगे। ये आसान है। और ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होगी। बन गया। और जाहिर है हमें होल्डर्स लगाने हैं। हमें ये शेल्फ कहाँ लगाना चाहिए? बेड के ऊपर। मैंने कर दिखाया। मूवी शो शुरू होने वाला है। शेल्फ को खोलो और फोन यहीं रहेगा। और अब हम आराम से देखेंगे। तुम्हारे फेवरेट टीवी शो को देखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और थोड़े और टिंसल। कितना ब्राइट एक्सेंट है। बढ़िया। हम इस रूम में और क्या कर सकते हैं? हम खेलेंगे। और हमें टारगेट्स की जरूरत है। इन्हें दीवार पर लगाएं और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। रेडी, सेट, गो। सही से निशाना लगाओ और फेंको सीधा निशाने पर। ये जीत है। पॉली, तुम यहाँ कैसे रह रही हो? वाह, क्या चल रहा है? पुराना डेन कहाँ है? देखो, मैंने यहाँ थोड़े बदलाव कर दिए हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है पॉली। अरे वाह, यहाँ पर ब्यूटी कॉर्नर्स भी है। टेबल और चेयर। ये स्लाइडिंग रूम कितना बड़ा है। कितनी सारी काम की चीजें हैं। पॉली, मेरे पास तुम्हारे लिए जरूरी काम है। मेरे साथ आओ, हमें थोड़े और रूम बनाने हैं। बिल्कुल, मैं बस दरवाजा बंद करके आई। अब रूम सेफ है। तुम्हें बिन बुलाए मेहमानों से घबराने की जरूरत नहीं है।
परेशान मत करो, ये रूम सिर्फ पॉली के लिए है।